हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करें। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में सिंस और फॉर देखा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे सिंस यूज करें, कहाँ पे फॉर यूज करें। तो जैसे सेंटेंस होते हैं कि मैं 3 बजे से टीवी देख रहा हूँ, आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। मैं 3 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। तो सिंस और फॉर में कभी कभार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंस इस्तेमाल होता है पास्ट में अगर कोई टाइम दिया है, यानी टाइम कब से जो वो चीज शुरू हो रही है, शुरुआत का जो टाइम दिया है, स्टार्टिंग का टाइम, तो सिंस इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ड्यूरेशन दियो, यानी कितना टाइम तब से हो चुका है अभी तक, यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे अभी तक चल रहा है नाउ, ये बीच का कितना टाइम है, ये फॉर होता है। ये डिफरेंस है सिंस और फॉर में। लेकिन अगर आपको नहीं अभी भी समझ आया तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो। अगर कोई बोले सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून, इसमें सिंस का इस्तेमाल होगा। लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंडे, ओके, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, फिर कोई ईयर दिए हैं 1995, तो इस सब में सिंस आएगा। सिंस 1995, सिंस 2007, सिंस मई, सिंस जून, Since 17 August, since 15 April, since 5 o'clock, ठीक है, since 7:30, इसमें since आएगा। Childhood, बचपन, since childhood, बचपन से, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, I've been living in Delhi since childhood। मैं जब छठी क्लास का था तब से दिल्ली में रह रहा हूँ, I've been living in Delhi since I was in 6th class, okay? मैं उसे तब से जानता हूँ जब से वो 18 साल का था, I've been known to him since I was 18 years old, या यू नो, अगर आपको इस तरह का लगाना पड़े कि मैं जब 18 साल का था तब से दिल्ली में रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस आई वाज 18 years old, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो सिंस यानी अगर शुरुआत का टाइम दिया है कि तब से, तो वहां पे सिंस आता है। अगर आपको इससे आइडिया नहीं लगता है तो ये है, आप इसे रट लो। और फॉर कहां पे आता है? फॉर अगर बीच का ड्यूरेशन दिया है उसमें फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर लिखा हो सो मेनी डेज, तो आपको पता है सो मेनी डेज बीच में जो दिन बीते, सो मेनी इयर्स, सो मेनी मंथ्स, ओके, सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग, मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूं, फॉर सो लॉन्ग, 5 इयर्स, ओके, जैसे मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, फॉर 7 मंथ्स, फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई बीन टीचिंग फॉर 8 आवर्स, ठीक है। अगर केवल डेज आएगा तो भी फॉर लगेगा, फॉर डेज, मैं दिनों से इंतजार कर रहा हूं, आई बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर डेज, फॉर आवर्स, फॉर सेंचुरीज, ओके, फॉर सम टाइम, तो इसमें फॉर का इस्तेमाल होता है। अगेन, जब बीच का ड्यूरेशन दिया हो तो फॉर का इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पे, और आई थिंक आपकी कंफ्यूजन इससे दूर हो गई होगी कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल कहां पे करें। एंड वेल, अब इसका इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बनाना, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।